डांडिया उत्सव सोसाइटी में खेला डांडिया रास। नौजवान वे महिलाओं ने मिलाए ताल से ताल, जमकर झूमे। मानसरोवर शिव विहार स्थित चुरड़िया उत्सव सोसाइटी में नवरात्रा के अंतिम दिन डांडिया का कार्यक्रम आयोजन हुआ। प्रोग्राम में माता की आरती के बाद डांडिया का आगाज हुआ। नौजवान व महिलाओं ने जमकर ताल से ताल मिलाकर झूमे। आयोजक पवन पालीवाल ने कहा कि सोसाइटी की ओर से पूरे 9 दिनों तक उत्सव मनाया गया और 9वें दिन सोसाइटी में डांडिया का आयोजन हुआ, जिसका पूरी सोसाइटी के लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। कैलाशराम ने कहा कि सोसाइटी की ओर से दूसरा डांडिया प्रोग्राम है और पूरी सोसाइटी इसका लुत्फ उठा रही है। मैं और कैलाश जी, मैं पवन पालीवाल, मैं दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर में जनरल मैनेजर हूँ और हमारे साथी कैलाश राम जी हैं। हम लोगों ने इसको पूरी टीम के साथ प्रोग्राम को का आयोजन किया है और इस टीम का सबसे बड़ा खास बात ये प्रोग्राम 9 दिन से कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम माता जी की आरती और भोजन ये प्रसादी वगैरह का वितरण कर रहे हैं और यहाँ पर सभी मातृशक्ति ने, सभी बच्चों ने, सभी बुजुर्गों ने, सभी आयु वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और प्रोग्राम में 4 चांद लगाए हुए हैं और आज हम इस मुकाम पर आ चुके हैं कि ये हमारा डांडिया प्रोग्राम, जिसका सभी लोगों को बहुत बेसब्री से वेट था, आज बिल्कुल हम लोगों के समक्ष जो आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल हमारा मंच तैयार हो रखा है यहाँ पर और कुछ ही देर में यहाँ पर सभी लोग परफॉर्म करने वाले हैं डांडिया उत्सव के लिए। जो कोविड के थे लास्ट 2-3 ईयर्स तो हम लोग उसको कर नहीं पाए थे, अभी पिछले 1-2 साल से रेगुलर हम लोग पूरा इवेंट कर रहे हैं और सभी लोगों को मज़ा आ रहा है, सभी लोग इसको हर्षोल्लास से मना भी रहे। अभी तक की आप अभी जो गैदरिंग देख रहे हैं, अभी का क्राउड देख रहे हैं, सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस हमारे इस इवेंट को। एक छोटी सी हमारी शुरुआत है और उसके पीछे हमारी सारी उत्सव सोसाइटी है, सारी ही टीम हमारे साथ काम कर रही है। हम यही चाह रहे हैं कि एक एक करके हमारे साथ सारे सपोर्ट मिल रहे और वही हमारा सारा काम हो। कितने टाइम से कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली हम लोग ये अभी जो डांडिया का प्रोग्राम इस सोसाइटी में पिछले 2 साल से हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा दूसरा डांडिया है। इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी एक्टिविटीज़ सोसाइटी में कर चुके हैं, जैसे गणेश चतुर्थी पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स किए और वही हम लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी को एक गोकुलधाम सोसाइटी बनाना चाहते हैं, यही हमारा एक उद्देश्य है। सोसाइटी चौड़िया उत्सव ने ये गरबा का कार्यक्रम करवाया है, इसमें सभी लोग मिलके 9 दिवसीय जो हमारा त्यौहार है उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं और परिवार में सभी महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग सभी लोग बढ़ चढ़ करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी पहचान है ये जो दुर्गा पूजा का फेस्टिवल होता है, तो ये बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर आकर के कि दुर्गा पूजा के इस फेस्टिवल में मुझे बुलाया गया है और मान सम्मान दिया जा रहा है। स्पेशली ऑन द बिहाफ ऑफ पुष्पेंद्र भारद्वाज, मैं उनकी छोटी बहन हूँ, तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। इसी तरीके से इस तरह के प्रोग्राम्स चलते रहने चाहिए, हमारे समाज में हमारी संस्कृति इसी तरीके से जिंदा रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इसके लिए एक वो मिलेगा, शिक्षा मिलेगी कि हमें आगे भी हमारी जो नई जनरेशन आ रही है जो धीरे धीरे हमारे त्योहारों को इतना नहीं अच्छे से सेलिब्रेट कर पाती है, वो भी इन सब चीज़ों से सीख करके हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग करेगी और आगे बढ़ाएगी। अभी भी उत्सव मना रहे हैं, हर साल मनाते रहे और मैं नव्या और सब उत्सव वासी हमेशा मनोरंजन करते रहे। अच्छा, आज का प्रोग्राम हमारा चौरड़िया उत्सव वालों ने डांडिये का प्रोग्राम आयोजित किया है, जो सभी बहुत मिलके और खूबसूरती के साथ, मेहनत के साथ सभी ने पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और बस अम्बे मैया से यही कामना है कि सब अच्छे से पूर्ण हो कार्यक्रम और सबका सहयोग बना रहे, ऐसा ही हमेशा सहयोग बना रहे, मिलके चौरड़िया वाले उत्सव मनाते रहे। इसी तरह से आगे सारे, मेरा नाम है श्वेता सक्सेना।